हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जी हमारा 31st डे है स्पीकिंग का और आज भी हम क्या करेंगे, जो ये मिक्स्ड वाक्य हैं जो हम अपने जो है एक्सरसाइज के दौरान कर रहे हैं, हमारी स्पीकिंग जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब जो डेली लाइफ में जो सेंटेंस हमारे बोले जाते हैं बार बार, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो 30 डे था उसके अंदर भी हमने क्या किए थे, गुड न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, इन्विटेशन, ये सारे पढ़े थे। तो उससे ही रिलेटेड कुछ और जो है सेंटेंसेस वो इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब होता है स्टूडेंट अस्वीकार, ठीक है, किसी चीज को स्वीकार ना करना। ठीक है, स्वीकार ना करना वो होता है रिफ्यूजल किसी का। कोई मान लो जैसे मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊंगा, किसी चीज को मना कर देना, मुझे अफसोस है, ठीक है, आई एम सॉरी टू रिफ्यूज। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, रिफ्यूजल वाक्य जो है उनको यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि ये चीज संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो किस में आ जाते हैं, रिफ्यूजल में आ जाते हैं। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे बिलीविंग के वाक्य, ठीक है, बिलीविंग होता है विश्वास, किसी से रिलेटेड विश्वास प्रकट करना, ठीक है, कि मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, ठीक है, मुझे उस पर तो पूरा भरोसा है लेकिन उसको मेरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ मेरे पे। तो वो जो भी ट्रस्ट वगैरह के जो भी वाक्य आएंगे वो आपके किस में आ जाएंगे, बिलीविंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर हम बिलीविंग के वाक्य यूज करेंगे। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो आगे हम क्या यूज करते हैं, प्लीज का यूज करते हैं, मोस्टली जरूर यूज करते हैं हम किसका, प्लीज का। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लीज है इसका स्थान बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। ठीक है, व्यक्ति के जो व्यवहार को बताता है प्लीज जो है, ठीक है, आपके संस्कार बताता है कि आपको किस तरह के संस्कार मिले, आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो प्लीज वर्ड जो है वो बहुत ही पोलाइट वर्ड है, ये आपका जिसको किसी को गुस्सा भी आ रहा हो उसको भी ठंडा कर देता है। ठीक है, तो देखो जो प्लीज का यूज करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू और प्लीज का यूज करो, किसी से कोई भी चीज लो या दो तो उसको थैंक यू जरूर बोलो। ठीक है, और आपने प्लीज का वर्ड जब भी आपने किसी से भी कुछ भी लेना है तो आपने उसको प्लीज जरूर लगाना है। ठीक है, तो अब देखो कुछ सेंटेंसेस करते हैं इस वीडियो के, ठीक है, वो सेंटेंस करके फिर हम अगला डे स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, मिले जुले हैं जो ये, आओ आप खाना खाएं, लेट्स हैव फूड नाउ, आप क्या पसंद करोगे, चाय या कॉफ़ी, व्हाट वुड यू लाइक, टी या कॉफ़ी, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूँगा, आई विल कम टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, जब भी आप दिल्ली आए मुझसे मिलिएगा, प्लीज़ लुक मी अप वेन एवर यू कम टू दिल्ली, आइए मैं आपको अपने विचार अपने परिवार से मिलाऊँ, तो है लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली, मेरी पत्नी निशा, मेरी बेटी किटी और मेरी बेटी सुमित से मिलिए, प्लीज़ मीट माई वाइफ, माई डॉटर किटी एंड सन समित। नेक्स्ट है आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, यू हैव लवली चिल्ड्रन, एंड द लास्ट वन इज़ मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, पहले की बात आ गई ना तो वी टू में चला जाएगा ना, तो मेट आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे वाक्य हैं ये तो मिसलेनियस थे, नेक्स्ट है हमारे रिफ्यूज़ल के, रिफ्यूज़ल के भी हमने बात की थी, ठीक है, अस्वीकृति, मैं नहीं आ सकूँगा, कोई भी काम नहीं है, तो देखो आई विल नॉट एबल टू कम, तो यहाँ पर विल नॉट को हम क्या बोलते हैं, वॉन्ट, हम पहले पढ़ चुके हैं, आप जो चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकूँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश, ठीक है, मैं एबल वाला भी मैंने आपको करवा दिया है टॉपिक, मैं आना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू कम, मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी टू रिफ्यूज, वे इनसे सहमत नहीं होंगे, दे वॉन्ट एग्री टू दिस, यह संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल या फिर इट्स इम्पॉसिबल, अफसोस है मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता, आई रिग्रेट आई कॉन्ट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, आप मेरे विचार से सहमत नहीं है ना, यू डोंट एग्री विद मी डू यू। नेक्स्ट है इसका प्रबंध नहीं हो सकता, इट कांट अरेंज, उसे यह पसंद नहीं है, शी डिजर्व्स टू दिस आइडिया या शी डजंट लाइक दिस आइडिया। तो देखो स्टूडेंट ये आपके रिफ्यूज़ल वाले थे। नेक्स्ट है हमारे बिलीविंग वाले, विश्वास वाले, क्या आप विश्वास नहीं करते, डोंट यू बिलीव इट, यह केवल अफवाह है, इट्स ओनली अ र्यूमर, र्यूमर होता है सुनी सुनाई बात, ठीक है, यह सुनी सुनाई बात है, इट्स ओनली र्यूमर्स या फिर इसको हियर से भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हियर से, क्या हमें इस टैक्सी ड्राइवर पर विश्वास करना चाहिए, शुड या फिर कैन वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर। तो देखो यहाँ पर शुड का यूज़ करना है, यहाँ पर आपने कैन का नहीं,
आप उनका पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट देम फुली, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, आई हैव फुल फेथ इन हिम। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिक्वेस्ट वाले, प्रार्थना वाले, ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट, वापस आइए, प्लीज़ कम बैक, जाने दीजिए, लेट इट बी, ज़रा यहाँ आना, प्लीज़ कम हियर, उत्तर दीजिए, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ आंसर, ज़रा उसे जगाइए, प्लीज़ वेक हिम अप, आशा है तुम पत्र लिखोगे, होप टू हियर फ्रॉम यू। तो देखो स्टूडेंट, जो ये मैंने अभी आपको सेंटेंसेस जितने भी करवाए हैं ना, इनकी हिंदी लिखी हुई है, साथ साथ इंग्लिश भी लिखी हुई है, और इंग्लिश के साथ साथ उसकी प्रोनंसिएशन भी लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने इनको ट्राई करना है, सबसे अच्छा मौका है ये आपका स्पीक करने का, ठीक है। अब तक तो आपको स्पीकिंग जो है वो आ चुकी है, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे सेंटेंसेस रखे हैं यहाँ पर आपके, जिसके साथ में हिंदी और साथ साथ प्रोनंसिएशन भी गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हिंदी को अपनी कॉपी पर नोट करना है और इंग्लिश इसकी खुद बनाने की कोशिश करनी है। लास्ट हमारा रह गया स्टूडेंट, देखो ये वाक्य है, मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी अ फेवर, मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क, लेट मी भी कर चुके हैं हम, जरा देखिए तो दो, जरा देखने तो दो, लेट मी सी, उन्हें आराम करने दीजिए, लेट देम रिलैक्स, जरा कागज पेंसिल दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल एंड पेपर, परसों ज़रूर आइएगा, भूलिएगा नहीं, प्लीज़ डू कम डे आफ्टर टुमारो, परसों को क्या कहते हैं, डे आफ्टर टुमारो, डोंट फॉरगेट, फिर से कहिए, प्लीज़ रिपीट या पार्डन, आई बैग योर पार्डन, जो भी आप इसका यूज़ करना चाहते हो वर्ड यूज़ कर सकते हो। थोड़ा खिसक सकते हैं क्या आप, कुड यू, या मूव या शिफ्ट कुछ भी लगा सकते हो, कुड यू मूव शिफ्ट अ लिटल, क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं, कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट है मुझे माफ़ करो, प्लीज़ फॉरगिव मी, जरा खिड़की खोल दीजिए, विल यू प्लीज़ ओपन द विंडो। नेक्स्ट है सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचे, आल यू रिक्वेस्ट टू रीच इन टाइम। तो देखो स्टूडेंट, काफ़ी सारे सेंटेंसेस आई होप हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं और ये आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट डे में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इनको आपने अच्छे से ट्राई करना है। थैंक यू।